स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग में। और दोस्तों, हम फाइनली पहुंच गए हैं माँ धारी देवी के मंदिर, और जैसा कि आप देख सकते हैं कितना सुंदर और मनमोहक नज़ारा है। तो दर्शन करेंगे माता के और उसके बाद आपको बताएंगे कुछ रोचक बातें इस मंदिर के बारे में। तो चलिए चलते हैं मंदिर के अंदर और देखते हैं माता जी के दर्शन। चलिए दोस्तों। दोस्तों, कैसे हो आप सब? तो हम पहुंच चुके हैं धारी देवी मंदिर में। ये श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। इस मंदिर की खास बात यह है कि ये पानी के ऊपर बना हुआ है, और ये इसकी जो पुरानी स्टोरी है मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ये बह के आया हुआ मंदिर है, जैसे कि आप, मैं अभी आपको लोकेशन भी दिखाऊंगा। और ये यहाँ पे आके रुक गया है, तो इसकी बहुत मान्यता है। और इसके ऊपर एक छोटी सी स्टोरी भी है कि सामने ही ना, इसके सामने ही धार गाँव है, उसके नाम पर इसका नाम धारी देवी मंदिर पड़ा है। तो जितने भी जो भी आपदा वगैरह आती है उससे ये मंदिर बचाता है हमें, तो इसके ऊपर ये एक मान्यता है जो लोग मानते हैं। बाकी अभी मैं दिखाऊंगा आपको मंदिर अंदर से कैसा है, ट्राई करेंगे। वैसे तो अलाउड नहीं अंदर, बट हम कोशिश करेंगे थोड़ा सा आपको व्यू दिखाने की। तो चलिए चलते अंदर। फूल चाहिए तो फूल वहाँ से ले लो, लेना फूल। हाँ जी, हाँ जी, चाहिए तो मंगाओ, 10 रुपए के फूल हैं। एक मस्त, ये मंदिर के आसपास का व्यू आप देख रहे हैं। ये देखिए क्या सुंदर नज़ारा है, और ये नदी के बीच में बना हुआ है। अभी तो ये नदी जैसा फील नहीं आ रहा होगा आपको, झील लग रही होगी क्योंकि पानी रुका हुआ है। काफ़ी सारे डैम बन चुके हैं यहाँ पे बिना मास्क पहने। इसलिए चलिए अंदर चलते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे बंदर भी हैं, तो बंदरों से थोड़ा सावधान रहे। ये मेरी सेकंड विजिट है यहाँ पे, मैं पहले भी आया था। आप मेरे एक ब्लॉग में धारी देवी का एक छोटा सा क्लिप है, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं। ये देखिए गाइस, ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये सामने पुल है, और ये पुल सामने की तरफ जो गांव दिख रहा है आपको, जिसके नाम पे इस मंदिर का नाम धारी देवी पड़ा। और बहुत छोटा सा गांव है, बहुत फेमस है मंदिर की वजह से। और ये दोनों साइड का नज़ारा देखिए, और यहाँ पे बंदरों से थोड़ा सावधान, चारों तरफ बंदर घूम रहे हैं। मोबाइल कैमरा सब सेफ रखने की ज़रूरत है, इनका भरोसा नहीं है, कहीं पे भी अटैक कर सकते हैं। तो अभी हम मंदिर के अंदर एंटर हो चुके हैं, ये मेन गेट है इसका। तो दोस्तों, हमारे दर्शन कंप्लीट हो गए हैं और अब मंदिर से बाहर आ गए हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अंदर कैमरा अलाउड नहीं है सिक्योरिटी पर्पसेस से। खासियत है इस मंदिर के बारे में जो इसको खास बनाती है, वो ये है कि जो माता है वो 3 रूप में विराजमान होती है पूरे दिन में। सुबह वो बाल अवस्था में रहती है, दोपहर में वो कन्या अवस्था में रहती है, और शाम को वो वृद्ध अवस्था में रहती है। और ये चीज़ बहुत सारे लोगों ने फील भी करी है, जो लोग इस मंदिर में रेगुलरली आते हैं। आप यहाँ पे लोकल शॉप्स वगैरह में भी ये चीज़ कंफर्म कर सकते हैं लोगों से, तो इसलिए इस मंदिर की बहुत मान्यता है। भैया, वो जो रूप बदलने वाली जो स्टोरी है वो सही है? कब कब होता है कुछ पता है इसका? सुबह दिन में बैठना पड़ेगा, तभी पता चलेगा ना। तो अभी कौन से रूप होगा इस टाइम पे? कन्या का। फिर 2 बजे के बाद या 1-2 कितने बजे? कितने बजे बंद होता है मंदिर? 7 बजे होता है। 7 बजे बंद होता है, ठीक है, ओके, थैंक यू। दोस्तों, जब भी धारी देवी मंदिर के दर्शन करें तो नीचे माँ गंगा में जाना ना भूलें। माँ गंगा नदी में जाएं, वहाँ का जल
अर्पण करें, और बहुत ही शुद्ध और साफ पानी होता है ये, तो लोग यहाँ पे आते हैं, माँ गंगा को की पूजा करते हैं, तो लोग नीचे आके फोटोज़ क्लिक करवाते हैं, और बहुत ही सुंदर नज़ारा है। हम भी थोड़ी देर आए और उसके बाद हम श्रीनगर मार्केट की तरफ चले गए। गाइस अभी हम हैं श्रीनगर के गोला बाज़ार में, और मार्केट थोड़ा सा इस तरह से बना हुआ है यहाँ पर। अभी अभी आके आपको दिखाएंगे बहुत सारी चीज़ें, आप देख सकते हैं सारी मार्केट। अब हम ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं, सुबह से कुछ खाया नहीं है, मंदिर भी खाली पेट गए हैं, तो अभी कुछ खाएंगे बढ़िया सा और उसके बाद चलेंगे जनासू। बोल पीछे से बोल, पार्टी का तो बेकार हो गया। क्या बोलूँ, गार्ड होते पुलिस वाले होते हैं, गार्ड पुलिस वाले नहीं होते ना, गुना के चक्कर में आ गए। ये देखिए गाइस, आप देख रहे होंगे ये पूरा एक ग्राउंड बना हुआ है यहाँ पे, इसकी वजह से इसका नाम गोला बाजार पड़ा है। सही बोल, अभी काफ़ी बारिश हो रही थी मॉर्निंग में जब हम निकले थे, अभी आप देख सकते हैं बढ़िया हो चुका मौसम और बहुत सुंदर लग रहा है। मैंने पहले भी मतलब आया हूँ यहाँ पे, लेकिन फर्स्ट टाइम शूट कर रहा हूँ ऐसा कुछ। लेबर चौक नहीं, दोस्तों मंदिर से दर्शन करने के बाद हम गए सीधा गोला बाजार, क्योंकि बहुत ज़ोरों की भूख लग रही थी, और गोला बाजार में हम गए वाटिका रेस्टोरेंट। वाटिका रेस्टोरेंट के मोमोज बहुत ही औसम है, कभी भी आप श्रीनगर आएँ तो गोला बाजार में वाटिका रेस्टोरेंट के मोमोज ज़रूर ट्राई करें, वो भी पनीर वाले, क्योंकि यहाँ पे नॉन वेज नहीं मिलते हैं, वेज ही मिलते हैं। साथ ही साथ हमारे साथ मॉम डैड भी थे, तो हमने थोड़े से पराठे भी ऑर्डर कर लिए, क्योंकि भूख तो लग रही थी, मोमोज से पेट तो भरना नहीं था। हाँ बट टेस्टी बहुत होते हैं। तो उसके बाद हम थोड़ा सा मार्केट घूमने गए, और मार्केट में मुझे थोड़ा सा काम था, घर के लिए कुछ सामान भी लेना था अपने गांव के लिए, तो वो सामान वगैरह लेके हम थोड़ा घूमे मार्केट में, और उसके बाद अपने गांव की तरफ चले गए। तो हमारी ट्रिप बहुत ही औसम रही। आई होप गाइस आपको ये ट्रिप बहुत अच्छी लगी होगी, और माता के दर्शन मेरे थ्रू आपने वर्चुअली ज़रूर करे होंगे। तो मैं चाहूँगा कि आप कभी भी श्रीनगर आएँ तो धारी देवी टेम्पल ज़रूर विज़िट करें, बहुत ही सुंदर यहाँ का व्यू होता है, और फ़ोटोज़ वगैरह बहुत ही अच्छी आती हैं, और आपको बहुत ही शांति मिलेगी यहाँ आके। और मेरा व्लॉग देखना ना भूलिएगा, जो आगे आने वाले व्लॉग्स हैं। आई होप गाइस आपने एंजॉय किया होगा इस व्लॉग को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।